हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिक्स डॉट इन। तो आज मैं आप सबके लिए एक व्लॉग लेके आई हूँ जो है बेलिव्यू डाउनटाउन पार्क का व्लॉग। और हम लोग वहाँ के लिए बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे कि हम लोग वहाँ जाके देखें कि वो पार्क कैसा है, क्योंकि हमने बहुत सुना था उस पार्क के बारे में कि वो काफ़ी खूबसूरत पार्क है। और यहाँ पे हम लोग हर वीकेंड कोई ना कोई पार्क जरूर एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। तो उस पार्क में भी हम लोग इस वीकेंड चले गए थे और वहाँ जाके हमने बहुत कुछ देखा, एक्सपीरियंस किया, जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ऐसे तो पहले एक दीदी जो है उनके साथ हम लोग जाने वाले थे, लेकिन फिर ऐसा होता था क्योंकि डिनर के बाद हमेशा प्लान बनता था कि वहाँ जाना है। और यहाँ का ऐसा मौसम है कि बहुत ज़्यादा कभी बारिश हो जाती है, ठंड हो जाता है, तो फिर डिनर के बाद हो नहीं पाता था, हम लोग जा नहीं पाते थे। वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स भी हैं आसपास, जहाँ पे बेलिव्यू स्क्वायर भी है मॉल जो है, तो वहाँ पे लोग जाके आइसक्रीम का मज़ा लेना चाहते थे, इसलिए लोग जाना चाहते थे। लेकिन मैं बेसिकली कहीं भी पार्क जाती हूँ तो मैं उसकी ब्यूटी और उसकी सेरेनिटी को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पार्क का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो बेलिव्यू डाउनटाउन पार्क है वो 20 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे काफ़ी ऐसा एरिया है जो कि आपको मिडिल का एक एरिया जहाँ चारों तरफ सराउंडिंग ट्रेल बना हुआ है, जहाँ लोग वॉक करते हैं, और बीच में पानी का फाउंटेन झरना की तरह बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत अच्छे। वहाँ पर बहुत सारे डक्स और पक्षी तरह तरह के आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। आप कहीं भी जाते हैं तो उसे आप जब तक देखें नहीं तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। लंच के बाद हमने सोचा कि हम लोग जाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन ही ये प्लान बना था, क्योंकि हम लोग का हमेशा ऐसा ही होता है कि हम लोग का प्लान अचानक ही बन जाता है कहीं जाने का, और हम लोग बस ऐसे ही चले जाते हैं। कुछ भी ये नहीं होता कि पहले से प्रिपेयर करके जाना होता, बस ये है कि तो हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोगों को अपना खाना खुद पैक करके ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह आपको हर जगह खाने की वैरायटीज नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों को थोड़ा दिक्कत है। ऑल दो यहाँ पे वेजिटेरियन और रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। कभी मैं सच बताऊँ तो मुझे एडिटिंग का इतना मौका ही नहीं मिल पाता, बहुत सारा काम हो जाता है जिसके कारण मैं बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी जल्दी सबको अपलोड करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि मैं पोस्ट भी लिखती हूँ विदिक्स डॉट इन पे, और उसके बाद फ़ोटो को एडिट करना, वीडियो एडिट करना, पोस्ट को लिखना, ये सब बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए कभी कभी मुझे एक वीडियो को एडिट और उसके साथ पोस्ट भी लिखने में मुझे एक हफ्ते तक का टाइम कभी कभी लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि जो भी आपके पास लेके आऊँ वो पूरा कंप्लीट रहे, कभी भी वो आधा अधूरा चीज़ मैं लेके ना आऊँ, इसलिए मैं थोड़ा उसमें मेहनत करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग व्यूज़ नहीं देते हैं तो फिर बहुत दुख होता है, इसलिए मैं उतना एक्साइटेड होके जैसे मैं पहले वीडियोस बनाया करती थी वो अब नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हो ही जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग का सपोर्ट है, जो लोग मुझे मेरे चैनल को देखते हैं उन लोगों के लिए ही मैं बनाती हूँ। लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज़ किया कीजिए, क्योंकि आप लोग वॉच तो करते हैं, अच्छे व्यूज़ भी कभी कभी देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और जो मैंने पोस्ट लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ जाके आप पूरे डिटेल में पार्क के बारे में जान सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।